दोस्तों आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारी साथ शेयर की है सौरभ जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं सौरभ जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। सौरभ जी बताते हैं कि 21 दिसंबर 2008 ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद भी किसी तरह की नौकरी ना मिलने पर मैं सारा दिन घर में ही बैठा रहता। सारा दिन घर में बैठे बैठे मैं काफ़ी बोर हो जाता था, जिस वजह से मैं हर रात कैरम खेलने अपने गांव से थोड़ी दूर पर बने एक क्लब में जाता था। कैरम खेलकर मैं हर रोज तकरीबन 8:30 बजे तक घर लौट जाता, पर कैरम खेलते खेलते आज मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। घर लौटते वक्त मैंने जब घड़ी देखी तो वक्त हो रहा था रात के तकरीबन 11 बजे का। अभी मैं पैदल ही अपने घर के रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था, तभी मुझे याद आया कि माँ ने मुझे आते वक्त बाजार से थोड़ी सब्जियाँ लाने को कहा था, पर रात बहुत हो जाने के कारण बाजार बंद हो गया होगा, यह सोचकर मैं घर की ओर बढ़ने लगा। ठंड का मौसम होने के कारण पूरा का पूरा रोड सुनसान हो रखा था। दूर दूर तक सड़क पर मेरे अलावा कोई भी नहीं दिख रहा था, जिस वजह से मेरी थोड़ी हिम्मत सी टूट रही थी। खैर, मैं तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़े जा रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे अलावा कोई और भी है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ दूर दूर तक खामोशी और अंधेरे के अलावा कोई भी नहीं था। मैं अभी वहीं के एक पुराने शमशान घाट को क्रॉस कर ही रहा था कि तभी मुझे एक अजीब सी नेगेटिव वाइब्स फील होने लगी, जिसके बाद मेरा सर एकदम से भारी होने लगा। तभी मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, सौरभ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 7-8 फीट का लंबा आदमी, जिसका पूरा शरीर बुरी तरह से जला हुआ है, उसकी लाल आँखें बेहद डरावनी थी। यह देखकर डर से मेरी चीख निकल गई, जिसे सुनकर वहीं का एक आदमी मेरे पास आ गया। उस आदमी के पास आते ही वो जला हुआ आदमी हवा में धुआं हो गया। उस आदमी ने मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने को कहा, जिसके बाद मैं वहाँ से भागकर घर पहुँचा। घर पहुँचकर मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और बिना खाए ही सो गया। मैं अभी सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वही जला हुआ आदमी मेरे कमरे में आ गया, जिसके आते ही मेरा सर फिर से भारी होने लगा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह होते ही मैंने घर वालों को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर घर वाले मुझे ओझा के पास ले गए। उस दिन के बाद से मुझे वो आदमी कभी भी नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थी सौरभ जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो अभी सब्सक्राइब करें क्रीपी संडे को। चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तब तक के लिए बाय बाय।